जन्म साखी दी कथा में थानू सरवण करा रहे हैं। घोड़ी ते असवार ने पाई लैना राहियां कोल पुछदे ने, नानक तपे दा घर किथे है। राही कहंदन अगे अगे, वो फिर अगे चलदा। थोड़ी दूर जाके फिर पुछदे ने, नानक तपे दा घर किथे। राही कहंदन अगे। मेरे अंदाजे मुताबक 7-8 दफा इस तरह लिखा है, बार बार जरा नवे बोल नवे शब्द बदल बदल के। रस्ते च फिर राही मिलदे, फिर लैणा जी पुछदे, नानक तपे दा घर किथे। राही कहंदन अगे अगे। परमात्मा दा घर अगे ही होंदा। इत्थे बैठे हैं ध्यान पिछे चला गया तो अपने घर विच अपने कारो विहार विच, ध्यान अगे जाएगा ता ही निरंकार विच। ध्यान पिछे ही मुड़दा है, अगे नहीं जांदा। महाराज दी बाणी कहंदी है, अगांखु तरां पिछा फेर ना मोड़ा, नानक सिंज एह आवार बहुड़ ना होवी जनमड़ा। जब तू नाम जपन लगे जब तू बाणी पढ़न लगे ध्यान पिछे ना ले जा। कार विहार ही ध्यान चला गया, ध्यान पिछे पिछे मुड़ गया, परिवार दे चला गया। ठीक है, जब परिवार दे जा रहे हैं उदों तेरा ध्यान परिवार दे च होवे, कोई हर्ज नहीं, गुरबाणी नहीं रोकदी। जद कारो विहार दे चे तब तेरा ध्यान कारो विहार दे च होवे, पर जद गुटका हाथ दे चे ते तू पाठ पिया कर दें तां भी ध्यान पिछे। फिर ते वो गुटके दा पाठ करना भी कारोबार ही हो गया और कुछ नहीं, संसारी कर्म हो गया, धार्मिक कर्म नहीं, क्योंकि ध्यान जो पिछे जा रहे। अगां को उतरांग पिछा फेर ना मोड़ा, नानक सिंज एह आवार बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। बार बार दे जन्म मरण तो बचना चाहना, पिछे ना वेख ध्यान अगे अगे। हुण इत्थे आप बैठे हो, सुरत शब्द नाल जुड़ेगी तां ही अगे, जे पिछे चली गई फिर ते खेड नहीं बणदे। लहणा जी पुछदे ने, नानक तपे दा घर किथे। राही कहंदे ने अगा अगा अगे। ऐसा 7-8 दफा पुछे, चलदे ने फिर अगे चल पैंदे, फिर पुछदे ने नानक तपे दा घर किथे। राही कहंदे ने अगे अगे। पुछदियां पुछदियां हुण लैणा जी मंजिल कोल मंजिल दा पता पुछदे ने, हुण गुरु नानक दे कोलों ही गुरु नानक दा पता पुछदे ने। रस्ते च गुरु नानक मिले ते मैं इस तों इह भी अर्ज कर दिया, परमात्मा दा पता परमात्मा ही दसेगा, बाकी नहीं। उहदे बोलां तो पता चलेगा उंज नहीं, खसम दे बोलां तो पता चलेगा उंज नहीं। हुण गुरु नानक को लैणा जी पुछदे ने, नानक तपे दा घर किथे। सतगुर कहंदे नानक तपे दे घर जाना। हां, मैं नानक तपे नूं मिलना, मैं नानक तपे दे घर जाना। सतगुरु कहण लगे, आ मैं ले चलदा। लगाम उन्होंने पकड़ ली। जन्म साखी दी इस कथा तो ये प्रेरणा मिलती है, जिदी जिंदगी दी डोर लगाम गुरु नानक आप ना पकड़े वह गुरु नानक दे घर तक नहीं जा सकता। पर लगाम गुरु उसे दी पकड़ेगा जो लैणे दी तरह तड़पे हिरदे नाल पुछे, नानक तपे दा घर किथे, नानक तपे दा घर किथे, नानक तपे दा घर किथे। इतनी तड़प होवे, इतनी खिच होवे, इस तरह दी तड़प दा पैदा हो जाना
सत्संग दा फल है, कथा कीर्तन सुनन दा फल है, पाठ करन दा फल है कि इतनी तड़प पैदा हो गई, इतनी लगन पैदा हो गई। तो हुण मैं अर्ज करा, संसार दी यात्रा मैं दी यात्रा है, निरंकार दी यात्रा तू दी यात्रा है। तू तक ओही पहुंचदा है जिनू ये समझ आ जाए ते कहे तेरा 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 है, सब कुछ तेरा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तेरा तेरा। आखिरन एक दिन उसकी सुरत पहुंच जाती है, तू मेरा 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 मेरा, मैं वद्दा जाएगा, मैं दे वधन दे जिथे जिथे भी रुकावटा आईया क्रोध वद्दा जाएगा, वद्दा जाएगा। मैं ते क्रोध कट्ठे ही रहिंदे ने, हंकार ते क्रोध कट्ठे ही रहिंदे ने, मेरी मैं नू सट लग गए, मेरा मेरा मेरे दे च कोई बाधा खड़ी हो गई, मेरे च कोई रुकावट खड़ी हो गई, उस रुकावट ने जख्म कर दिता है, क्रोध एक जख्म है। ये भी मैर्ज कर दें, परमात्मा दी यात्रा तू दी यात्रा है। कबीर कहते ने, तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं, मैं ते मिट गई रही ने, तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हो, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू, तू ही तू, तू ही तू। मेरा मेरा जिथों पैदा हो सकता है, भाई गुरदास उन्हां सारियां चीजां नूं इनकार कर देना है जिस जिस तो मेरा पैदा हो सकता है। रविदास ने भी उसका जिक्र किया, कितों कितों मेरा पैदा हो सकता है, मैं पैदा हो सकती, मैं बद सकती है। हम बड़ कब कुलीन, हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कबे नरासी। हम बड़ कब, मैं माड़ा मोटा कवि नहीं, बहुत वड्डा कवि, मेरी जात कोई छोटी मोटी नहीं, मैं बहुत उच्ची कुल दा, मैं कोई माड़ा मोटा विद्वान नहीं, बहुत वड्डा पंडित। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, भगत रविदास। मेरा मेरा किस करके बच सकता है, मेरा वद्दा अक्सर गुणा करके, हंकार गुणा दा हुंदा है, अगुणा दा हंकार नहीं हो सकता। एक मनुख, चलो ज्ञान दा हंकार कर सकता है, मैं माड़ा मोटा ज्ञानी नहीं, बहुत वड्डा ज्ञानी। पर एक मनुख मूर्खता दा की ज्ञान जो है हंकार करेगा, मैं माड़ा मोटा मूर्ख नहीं हाँ, बहुत वड्डा मूर्ख, की हंकार करेगा। हंकार मूर्खता ते खड़ा ही नहीं हो सकता, हंकार खड़ा होंदा है सियाणप ते। सियाणा मनुख होवे, प्रतिभाशाली होवे, हंकारी ना होवे। भगत तुलसी कहंदे ने, ऐसो को जन्मयो जग माई, प्रभता पाए जास मदनाई। कहिंदा मैनू दिखाओ ऐसा केड़ा है माई दा लाल, ऐसो को जन्मयो जग माई, प्रभता पाए जास मदनाई। जिन्हों कला करके गुणा करके कोई प्रभता मिली है जगत देखते, हंकारी ना होवे। तुलसी कहंदे मैनू दिखाओ ऐसा केड़ा माई दा लाल, ऐसो को जन्मयो जग माई, प्रभता पाए जास मद नाई,
प्रभता खड़ी आउंदी है, हंकार खड़ा आउंदा है गुणा ते, अवगुणा ते नहीं। एक मनुख चोरी दा की हंकार करेगा, बई माड़ा मोटा चोर नहीं आ, बहुत वड्डा चोर, एदा की हंकार। हंकार दान ते खड़ा आउंदा है, मैं माड़ा मोटा दान नहीं, नहीं बहुत वड्डा दान। चोरी दा की हंकार, ये दो उदाहरण ही काफी ने। हंकार गुणा ते यात्रा करता है, अवगुणा ते नहीं करता। अवगुणा तो हंकार पैदा ही नहीं हो सकता। चोरी दा मनुख की हंकार करेगा, विकार दा मनुख की हंकार करेगा, मूर्खता दा की हंकार करेगा। तो रविदास गिनती करते ने जिथों जिथों ये मैं वध सकती है। हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। जितने धार्मिक मनुख धार्मिक लिबास दे छोड़गे, धार्मिक ज्ञानी कहने सब हंकारी होंगे, बड़ा हंकार होगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज कहने ने, ग्रस्त में चिंत उदास हंकार, नरक सुरग फिर अवतार। ग्रस्ती मनुख इन्हों का हंकार जरा सीमा दे चाहता है, क्यों? चिंता बड़ी आती है, परिवार की चिंता, समाजिक जिम्मेवारियां, आर्थिक जिम्मेवारियां, कई तरह के काम धंधे उस फसे होंगे ने, फिक्र चिंता आती है। हंकार लई कोई बहुत वड्डी गुंजाइश नहीं रह जाती। शुद्ध हंकार, ये मैं नहीं कह रहा कि ग्रस्ती को हंकार नहीं आता, शुद्ध हंकार बड़ा प्रबल हंकार उदासी को आता है, त्यागी को आता है। ग्रस्त में चिंत उदास हंकार, क्योंकि उदो को हंकार करने वास्ते बहुत कुछ है, की है, मैं त्यागी हाँ। कबीर कहते ने, माया तजी तो क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए, मान मुनि मुन वर गले, मान सवे को खाए। हंकार बड़े बड़े मुनिया नु खा गया, साधुआ नु खा गया। शुद्ध रूप दे चे हंकार साधुआ को लौंदा है, ये भी मैं अर्ज कर दें, क्योंकि गुण होंदे ने। हंकार गुणा ते यात्रा करदा है, औगुणा ते यात्रा नहीं करदा। जिना जिना आसरिया नु पकड़ के हंकार यात्रा करदा है, भगत रविदास उसकी गिनती पे कर दें। बड़े ध्यान नाल सुनना, कदी अंतरमुखी होवेगे सारिया चीजा रुकावटा बन जांदियां। हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, मैं ज्ञानी, मैं सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दाने, मैं बहुत वड्डा पंडित, मैं माड़ा मोटा सन्यासी नहीं, बहुत वड्डा सन्यासी, बहुत वड्डा जोगी। सारिया की गिनती पे कर दें रविदास। हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कबे न नासी। ऐ बुद्ध ते खत्म ही ना हुई, मैं वाली, मैं एना करके मैं वध गया। कह रविदास सबे नहीं समझस भूल परे जैसे बौरे। कहने सब पागल ने, पंडित पागल है, जोगी पागल है, सन्यासी पागल, ए त्यागी पागल, ए दानी पागल, ए सूरवीर पागल, ए कुलीन पागल ने, गुणा दे आसरे ते अपना हंकार वधा ले। कह रविदास सबे नहीं समझस भूल परे जैसे बौरे। धार्मिक कर्म करदे हो अगर हंकार वद्दा जाए तो समझ लेना काटे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये धर्म दा कर्म, धर्म दी किरत काटे जा रही है, कुछ भी नहीं। क्योंकि फिर हंकार वधेगा तो नाल क्रोध ते वधेगा, क्योंकि मैनू कई थावां ते चोट लग सकती है, लग सकती है। इहदा जो सोहना तरीका है, भाई गुरदास ने वर्णन किया है, जिना जिना करके हंकार पैदा हो सकता है,
भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने अपने कोल है ही नहीं, गल खत्म। सवैया तुसी सुनोगे दंग रह जाओगे। भाई साहब कहते ने रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी। पहले मैं सवैया थानू सरवण करा दें। रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी। दृष्ट दरसहीन शब्द सुरतहीन बुद्ध बलहीन सूदे हस्त न पावरी। प्रीतहीन रीतहीन भाय भय प्रतीतहीन चित्तहीन वित्तहीन सहज स्वभावरी। अंग अंगहीन धीना धीन प्राचीन लग चरण शरण कैसे प्राप्त होए रावरी। भाई साहब कहते ने रूप का माण होंदा स्वपन का जवानी का। भाई साहब कहते है ही नहीं। रूप का भी बहुत पलबल हंकार होंदा, ये भी मैं अर्ज करते। रूपवंत होए नाही मोए प्रभ की जोत सगल गढ़ सोए। ये कमजोरी सुहपन दे नाल आ जाती। उर्दू का एक शायर इसनों होर ढंग नाल बयान करता है, ये भी सुन लो तो मैं अगे चला। वो कहिंदे खुदा ने हुसन नादानों को बख्शा जर जलीलों को अकलमंदों को रोटी खुशक और हलवा बखीलों को। इंज कहिंदा है रूप दा हंकार होंदा है, जवानी ते जोबन दा हंकार होंदा है। सतगुरु दी बाणी इंज कहिंदी है जोबन धन प्रभता कै मद में मद हंकार। इन्हां तिन्हां दा बड़ा प्रबल नशा। जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना दिन रात पागल होया फिरदा ऐस नशे च किहदा। एक जोबन जवानी दा नशा, एक धन दा नशा, एक प्रभता दा नशा, पागल होया फिरदा। जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना दिन रात पागल, दिन रात पागल। इस तरह के नशे वाला मनुख परमात्मा के मार्ग से नहीं चल सकता। परमात्मा का मार्ग मैं दा मार्ग नहीं है, तू दा मार्ग है। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। भाई साहब भाई गुरुदास जी कहते हैं रूपहीन कुलहीन भावें सोडी ने, ते सोडिया की कुल उस जमाने बहुत उची गिनी जाती सी। भाई साहब कहते हैं अपनी कोई कुल भी नहीं, तो कुल का की हंकार करिए। अपने कोल जोबन जवानी भी कोई नहीं, तो यदा की हंकार करिए। भावें है पर उसनू नहीं मनते नहीं है, ताकि इन्हां दे आसरे ते हंकार यात्रा ना करे। रूपहीन कुलहीन गुणहीन, ये प्रभु कोई गुण भी कोई नहीं। हुण हंकार ते गुणा करके होवेगा। भाई साहब कहिंदे ने है ही कोई नहीं, अपने कोल कोई गुण नहीं। रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन, हुण देखिया जाए ज्ञान दे दो वड्डे ग्रंथ उन्होंने लिखे ने, कवित सवैये ते भाई साहब जी दियां वारां। पर गजब दी गल कहिंदे ने अपने कोल ज्ञान भी कोई नहीं, गुण भी कोई नहीं, अपने कोल जोबन जवानी भी कोई नहीं, साड़ी कोई उच्ची कुल भी नहीं है। भाई साहब भाई गुरदास जी हंकार जिना जिना ते यात्रा कर सकता है उस तो इनकारी हो रहे, नहीं अपने कोल है ही नहीं। रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी। अपनी कोई माण वड्याई भी कोई नहीं,
शोभा। हे प्रभु साड़ी कोई चंगी किस्मत भी कोई नहीं जो उसते माण करी है, एदे दी प्रालबद बड़ी चंगी है, एदे भाग बड़े अच्छे हैं, एदी किस्मत बहुत अच्छी है, एदी प्रालबद ते बहुत तगड़ी है, इससे भी हंकार हो जाता है। ये भी मैं अर्ज कर देना, प्रालबद हर एक दी अपनी अपनी होती है, प्रालबद ही पांडा है, संसार ते पदार्थां दा सागर है, पर मिलदा हर एक नूं उतना कुछ है जितना किसी दा प्रालबद दा बांडा। जैसी किसी दी प्रालबद है, भाई साहब कहिंदे ने अपनी कोई प्रालबद भी कोई नहीं, साडा कोई भाग भी भाग हिस्से नूं कहिंदे ने अपना कोई हिस्सा भी कोई नहीं। रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी। हे प्रभु अपना कोई तप भी नहीं कीता, भावे बड़ा तप कीता, अपना कोई तप भी नहीं, जप भी नहीं, फिर हे प्रभु बावरी पागला, अकल भी कोई नहीं, पागला। एक पंक्ति च इतना अकल दा भी माण हो सकता है, मैं बड़ा अकलमंद, मैं बहुत सियाणा। भाई साहब कहिंदे ने अपने कोल अकल भी कोई नहीं। दूसरी पंक्ति, दृष्ट दरस हीन शब्द सुरत हीन बुद्ध बल हीन सूदे हस्त ना पावरी। ए प्रभु तैनू वेख सका अपने कोल अखां भी कोई नहीं, दूर दृष्टि कोई नहीं, गहरी दृष्ट कोई नहीं, दूर दृष्ट। महाराज कहते ना, दे लम्मी नदर निहाली है, कदम एक पुट, लेकिन सौ कदमां तक तेरी दृष्टि जानी चाहिए, तेरे पैर किथे जाणगे। ऐसे मनुख नूं कहते ना दूर दृष्ट, बड़ा दूर तक देखण वाला। भाई साहब कहते अपने कोल नहीं है ये दूर दृष्टि भी कोई नहीं, ये लंबी निगाह भी कोई नहीं,